ये देखिए दिवाली की तैयारियां चल रही हैं इधर। ये बना रही है प्रिंसेस की दीदी रंगोली। ये सारी प्रिंसेस की दीदी ने ही बनाई है। और इधर सब लग रहे हैं लाइटिंग की तैयारी में। हाँ फिर कमरा है ये ऊपर से लोग यहाँ भी तो कभी चाहती हूँ दीदी आई नहीं है तो सब तैयारियां चल रही हैं और फ्रेंचाइज बॉय आज सो रहे हैं बीम को लेते हैं सो रहे हैं और अभी बहुत सारे खेल हैं अभी कुछ ले आए हैं कुछ और बाकी बना लें बीम को क्या लगाते हैं उससे पहले और जैसे ही रंगोली कंप्लीट होगी हम आपको दिखाएंगे। आज बहुत सारे कपड़े धुले थे ये देखिए दिवाली पर घर की सजावट लाइटिंग से कर दी गई है कितना अच्छा दिखाई दे रहा है घर। ये देखिए लाइटिंग सिस्टम और प्रिंस चलो चलो खड़े हो जाओ प्रिंसु मौज मस्ती करता हुआ और गिर भी गया मौज मस्ती करता करता गिर भी गया प्रिंसु कोई बात नहीं चलो गिर जाते हैं ना। हाँ ताड़ा लगा दिया क्या इसके सुंदर सजावट हो रही है लगभग सभी घरों पर सजावट हो रही है। ये देखिए ये देखिए हमारा घर दीपक का त्योहार लाइटिंग का त्योहार भव्य रूप से मनाया जाता है इसकी भव्यता देखते ही बनती है। हैप्पी दिवाली सभी को एक बार फिर से प्रिंसु काफी मजा ले रहा है
देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग हो रखी है। ये पीछे से हमारा घर, रंग बिरंगी बिजली के बल्ब, बड़े ही सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर लग रहा है। सभी ने अपने घर को इसी तरह की सजावट की हुई होगी। दरवाजा खोल दो, जाओ खोल के आओ। हैप्पी दिवाली। जी का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है पूरी तरह से, और अब बनेगी हमारी तहारी पुलाव, जिसे भी कुछ भी कह सकते हैं। तो मैंने सब्जियां डाल दी हैं, टमाटर, आलू, गोभी, प्याज, पुलाव की तैयारी हो गई है, तहारी जिसको हमारे यहाँ कहते हैं। तो बनाते हैं हम खाना। और आज हमें मंचज के बर्थडे का केक भी कट करना था,
केक का तो हो गया है अरेंज, केक तो हम